मैं आशुतोष भैया के बारे में ब्रीफली रख देती हूँ। भैया प्रोफेसर हैं रॉयल स्कूल ऑफ बिजनेस द असम, रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में। भैया ने पहला वर्कशॉप 2020 में किया है और 2009 में भैया गणेश जी के साथ संपर्क में आए थे पहली बार। भैया कई सारी एक्टिविटीज़ में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, पीपीआई हेल्प डेस्क ऑनलाइन वर्कशॉप में, और कई सारा कॉलिंग का काम भी भैया देखते हैं। तो भैया स्वागत है, नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी भैया, आवाज आ रही है आपकी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। हमारा ब्रीफ परिचय तो आपने दे दिया है। कुमार भैया प्रणाम, शर्मिला दीदी को प्रणाम मेरा, और सभी बंधुओं को नमस्ते। दीदी ने मेरा शॉर्ट में परिचय रख दिया है, बस उसमें मैं कुछ थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि मेरी शुरुआती एजुकेशन लखनऊ से हुई। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैंने एमबीए पीएचडी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया। बचपन से ही मेरा टीचिंग में जाने का बिल्कुल इंटरेस्ट होता था, तो एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं टीचिंग में सीधे आ गया मैं। और मेरी फैमिली में दो भाई हैं हमारे, ज्वाइंट फैमिली में पेरेंट के साथ ही रहता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो यूएचबी की वर्कशॉप की बात आती है, तो 2009 में हमारा गणेश जी से एक बार संपर्क हुआ, रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। उस समय जब पहली बार सुना था भैया को, तो शुरुआत में तो बात कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रही थी, लेकिन आधे घंटे के बाद थोड़ा सा मन में लगा कि नहीं, कुछ बात तो हल्का हटकर के है, जो वास्तव में हमें चाहिए की बात यहाँ करी जा रही है। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं बन पाया भैया से, लेकिन मेरे घर में पिताजी से भी बात होती थी, तो वो भी संबंध सुविधा की बात करते थे इसकी, तो वहां पे भी उन्होंने काफी अच्छा हमारे लिए किया और बहुत बढ़िया मेरे लिए रोल प्ले हुआ उसमें। फिर धीरे धीरे 2020 में यूएचबी की ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट हुई, जिसका मेरे पास भी लिंक आया और ज्वाइन किया मैंने अक्टूबर नवंबर के महीने में। वहाँ पे 2020 में उमेश जी के सेशन में, जितेंद्र भैया और कुमार भैया के सेशन में, थोड़ा सा एक लगा कि जो वास्तव में जिंदगी चल रही है उससे कुछ हट करके और जो वास्तव में हम चाहते हैं, वो मुझे लगा कि यहाँ पे मिल सकता है वो। और फिर मैंने सेशन लगातार ज्वाइन करना चालू किया। यूएचबी वन वर्कशॉप को जब भी समय मिलता था तो बार बार करते थे, और साथ में वीकली मीटिंग और बाकी जो एक्टिविटीज थी उसमें भी पार्टिसिपेशन रहता था। पीबीआई टीम में जो सहयोग कर सकते थे वो भी करते थे। मोहन भैया ने बहुत गाइडेंस किया इसमें कि हाउ टू इवेल्युएट अदर्स, और बहुत अच्छा मेरे लिए रहा वो। कंटेंट शेयरिंग भी मैं शुरुआत में करना शुरुआत किया मैंने अपने परिवार में, और जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ भी लोगों से इसकी चर्चा करते रहते थे। फिर बीच में संपर्क है फोन पे के थ्रू परिचित भैया, हिमांशु भैया, मुंशी भैया, देवती दीदी, सुनील जी से, इला दीदी, निधि दीदी से हुआ, और थोड़ा सा ध्यान जाता रहा इन चीजों पे। लेकिन मैं एक बार देख पा रहा था कि जब मैं एसोसिएशन में बना रहता था, लोगों से बातचीत होती रहती थी, तो मेरा ध्यान बिल्कुल लगातार इस पे हो रहा था, और साथ में मीटिंग में बने ही रहते थे हम। ये यूएचपी वन के वर्कशॉप अटेंड करने में एक जो बहुत ध्यानपूर्वक बात मेरे दिमाग में गई, इंटेंशन और कॉम्पिटेंसी की बात, और एक केवल बिंदु, बहुत ज्यादा बातें तो मैं नहीं समझ पाया था उसमें, लेकिन इंटेंशन कॉम्पिटेंसी को समझते हुए कि दूसरे का इंटेंशन सही है, उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, इस बात पे ध्यान दिया मैंने, तो मेरे घर परिवार में ही जो संबंध में थोड़ा सा खटास थी वो तो सही होने लगे। और मैंने पहले भी शेयर किया है कि हमारे भाई किससे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन एक केवल इस बात को समझने के बाद ही हमारे दोनों में मधुरता बनी और परिवार में थोड़ा सा संबंध इससे सही हुआ। माता पिता के साथ में संबंध सही हुए। फिर प्रिया दीदी का फोन आया कि मॉर्निंग सेशन होता है 5:30 से 6:30 इंग्लिश में, 6:30 से 7:30 हिंदी में, आप भैया ज्वाइन कर सकते हैं इसको। तो मैंने कहा, उस समय तो लगा कि हाँ, दीदी जो बात बोल रही हैं हमारे परिमार्जन के लिए कह रही हैं, तो मैंने उसको सीधे ज्वाइन कर दिया। और सुबह अपना सेशन सुनते थे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी सुनते थे। शुरुआत में मॉर्निंग सेशन अटेंड करने से पहले हमको इंग्लिश सेशन से बहुत एलर्जी टाइप की थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सुन तो सकते ही इसको। सुनते सुनते फिर ये लगा कि नहीं, इसमें परिमार्जन तो इसमें भी हो रहा मेरा, तो फिर मैं दोनों सेशन को कंटिन्यू करता रहा और डेवलपमेंट में अपने आप में देख पा रहा था। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज की बात आती है, इसकी शेयरिंग करने के लिए बोला गया कि स्वयं को स्वयं से देखना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं शेयर करता हूँ कि कहाँ तक की मेरी समझ बन पाई है। तो जो पहला स्टेप है कि स्वयं को स्वयं से देखने की बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात दिखाई पड़ती है,
इसके साथ में ही यहाँ पे जो शुरुआत में बात करी जाती है, राइट अंडरस्टैंडिंग इन दिस सेल्फ, राइट फीलिंग थॉट इन दिस सेल्फ और कॉम्पिटेंसी फॉर राइट लिविंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड, इसकी बात करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमको सेल्फ बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसका अनुभव होता है। अब जो दिखने की बात करते हैं, तो दिखना हमको ये लगता है कि हमारे सामने एक कप रखा हुआ है, एक टेबल रखी है, उसको हम देख रहे हैं। तो इस तरह से देखना पहले विचार में आता था कि ऐसे हमें कुछ दिख जाएगा कि हमको शरीर मेरा ये है और एक सेल्फ ऐसे है, तो हमको दो चीजें अलग अलग दिन दिखेंगी। पहली मान्यता हमारी ऐसी बन रही थी, लेकिन आज की बात में लगता है कि अनुभव पूरा होता है कि मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर के अलावा कुछ है। इसके लिए काफी कुछ एक्सरसाइज भी करते थे, और कभी बैठ करके जब भोजन कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो मैं इसका पूरा विचार जाता है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये शरीर कर रहा है। और जब इसको ध्यान से देखते हैं तो बिल्कुल अनुभव होता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो इस पे पूरी स्पष्टता बनी हमारी एक्सरसाइज वन के पहले स्टेप में कि सेल्फ और बॉडी आर टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, दोनों अलग अलग यूनिट हैं। फिर इस स्टेप में आता है ऑब्जर्विंग सेल्फ बाय द सेल्फ, इस स्टेप को भी मैं स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ, लेकिन 24 घंटे निरंतर नहीं होता है ये। जब मैं देखने का प्रयास करता हूँ तब देख पाता हूँ, लेकिन पूरे टाइम पे नहीं हो पाता है। बात आती विद दीज नेचुरल फीलिंग्स, आई मीन हार्मोनी, जो फीलिंग की बात करते हैं। हाँ, जो फीलिंग हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है, जब उसमें रहता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, हार्मोनी बना रहता हूँ। और कोई फीलिंग ऐसी जो मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें रहता हूँ, अपोजिशन की फीलिंग में रहता हूँ, तो मैं खुद भी डिसहारमोनी में आ जाता हूँ, अनहैप्पीनेस की सिचुएशन में आ जाता हूँ। तो ये भी मेरा ही क्रियाकलाप है कि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, दुखी रहना चाहता हूँ। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे ही पूरा काम रहता है कि जो नेचुरली एक्सेप्टेबल हो उसी को हम एक्सेप्ट करें। लेकिन ये काम भी कभी कभी बीच में गड़बड़ होता है मेरे साथ में, जो चीज़ मुझे नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होती है और अपोजिशन की बात होती है कहीं, उसको भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है मुझसे ये। फिर मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, तो जितने भी डिसीजन है वो तो मैं लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। और इस बात को समझने में मॉर्निंग सेशन में शर्मिला दीदी के लेक्चर में बहुत हेल्प करी मेरी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% हमारी हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस के लिए, और इसकी भी स्पष्टता बिल्कुल 100% बनी मेरे में। डिसीजन मैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लेता हूँ या मान्यता के आधार पर लेता हूँ, तो जब मान्यता के आधार पर लेता हूँ तो सुखी या दुखी हो सकता हूँ, लेकिन जब सही समझ के आधार पर लेते हैं तो सुखी होते हैं। ये भी बात समझ में आती है। और मोस्ट ऑफ द डिसीजन ज़्यादातर हमारे राइट अंडरस्टैंडिंग पे ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ मान्यताओं की वजह से गड़बड़ भी हो रहा है, और इस बात को देख भी पाते हैं कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है मुझको, लेकिन मुझसे त्रुटि हो रही है ये। अभी इस पर और भी काम करने की ज़रूरत है, और उस पर मैं आगे भी पूरा प्रयास करूंगा इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप की बात आती है फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, हार्मोनी, को एग्जिस्टेंस, तो इसको भी बहुत स्पष्ट रूप से 100% नहीं कर सकते देख पाए इसको, लेकिन अभी प्रयास चल रहा है। यहाँ जब भी समय मिलता है मॉर्निंग सेशन में तो बहुत अच्छा समय मिल जाता है 2 घंटे का, तो उसमें हम पूरा ध्यान अपने ऊपर दिया जा सकता है। तो ये एक्सरसाइज वन के जो लास्ट के 2 स्टेप हैं, इसमें अभी पूरा अनुभव नहीं हो पाया है, लेकिन बाकी के स्टेप में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ समझ बनी है इसकी। एक्सरसाइज 2 की बात करें तो यहाँ पे आई एम द बॉडी, आई कैन सी देम बाय ऑब्जर्विंग देयर एक्टिविटीज, इसमें भी पूरी स्पष्टता है हमारी 100%। मैं बिल्कुल देख पाता हूँ कि चैतन्य और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं और दोनों को देखता हूँ। ये बात भी बहुत स्पष्ट समझ में आती है दूसरे स्टेप में कि शरीर और सेल्फ के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसा सेल्फ इंस्ट्रक्शन देता है बॉडी को, वैसा ही करते हैं। इस पे भी बिल्कुल स्पष्टता है, और क्या संकेत देना है, संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही है ये। संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। हाँ, इसका प्रयास जब बिल्कुल खाली बैठता हूँ एकांत में, तब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान जाता है कि संवेदना अलग है और बॉडी अलग है हमारी, बिल्कुल देख पाते हैं इस चीज को, लेकिन ये काम भी पूरा टाइम नहीं हो पाता है, ये हमेशा नहीं देख पाते, कहीं कहीं संवेदनाओं में भटक जाते हैं। चाहे भोजन करते वक्त हो कि कोई अच्छा भोजन आ गया तो उसमें लग गए, तृप्त हो गया उसमें, तो इस बात से जरा ध्यान हट जाता है। और बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, उसे अर्थ देता हूँ, उससे प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, प्रतिज्ञा जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ।
इसमें भी स्पष्टता है मेरी। बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह, तो मैं संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम निर्णय पूर्वक जरूर पढ़ता हूँ, लेकिन 100% नहीं हो पाता है। संस्कार मान्यता के आधार पर साथ में जोड़कर उसका अर्थ निकालता हूँ, तो इसका भी मैं सही समझ के आधार पे करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी मान्यता के आधार पे गलती भी चूक भी हो रही है। और जैसे भाव बनता है उसी से मैं सुखी दुखी होता हूँ। यहाँ पे विचार की बात शुरुआत में जब सेल्फ को सेल्फ से ऑब्जर्व करना का एक्सरसाइज करते थे, तो भाव तो नहीं दिखते थे, विचार दिखते थे। तो बार बार है मॉर्निंग सेशन में प्रश्न उत्तर सेमिनार दीदी से कि विचार सही करे, भाव सही करे, तो बहुत स्पष्ट बात उन्होंने बोली कि भाई देखो, भाव से ही विचार आता है इस बात को, और बिल्कुल सही बात भी है। तो मैंने विचार पे को देखता जरूर था मैं कि विचार सही रहे मेरे, लेकिन मैं भाव सही करने का प्रयास करने लगा, और इससे बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन आया। मुझे ध्यान आता है कि आज से 2 साल पहले जब मैंने शेयरिंग करी थी, तो उस शेयरिंग में मुझे बोला कि कुछ लोगों के बारे में मेरी मान्यता या ऐसी धारणा बन गई थी कि मेरे भाव बिल्कुल अपोजिशन वाले होते थे, उनकी शक्ल तक देखना मुझे पसंद नहीं था। इवन यदि कभी उनका चेहरा सामने आ जाता था तो बिल्कुल हम डिसहारमोनी में हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे भावों पे काम करते रहे, भाव सही करते रहे, तो आज की डेट में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैं इस चीज को कंपेयर करता हूँ कि 2 साल पहले उनके बारे में मेरे विचार कैसे होते थे और आज कैसे हैं, तो बिल्कुल बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन है उसमें। और ये भी देख पाता हूँ कि उस समय मैं दुखी होता था तो अपने भाव विचारों की वजह से, और आज मैं यदि हार्मोनी में हूँ, थोड़ा कामनेस में हूँ, तो वो भी मैं अपने ही भाव विचारों की वजह से हैं। तो भाव को सही करने पे भी पूरा प्रयास रहता है, पूरा काम करते हैं, इसको भी मैं काफी हद तक कर पाता हूँ। संवेदना का निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ। हाँ, ये हमेशा तो निर्णय पूर्वक नहीं होता है, यदि निर्णय पूर्वक हमेशा पढ़ रहे होते तो सब चीजें सही लग जाती, पूरा 24 आवर ही ठीक हो जाता, हर पल सही हो जाता। तो हमेशा निर्णय पूर्वक पढ़ना नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रयास जरूर करता हूँ। और बाहर की संवेदना की घटनाएं भी प्रभावित तो करती ही हैं हमको। अपने शरीर का आकलन करता हूँ, शरीर में कोई घटना है, संवेदना है शरीर के बारे में मेरा आकलन, इसको भी स्पष्ट रूप से करता हूँ। और जब भी ध्यान जा रहा है इसके ऊपर, तो शरीर की कोई घटना है, कोई संवेदना है और बाहर से कोई आकलन हो रहा है, उसको बिल्कुल मैं जिम्मेदारी पूर्वक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में करता हूँ पूरा, और उसका निर्वाह भी मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक करता हूँ बिना बाहरी संवेदना से प्रभावित हुए। लेकिन यहाँ पे बार बार मैं एक बात ये बोलता हूँ कि 24 आवर काम नहीं होता है ये, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल काम हो रहा है। अब जो 7th स्टेप है कि एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस की बात है, इसको मैंने एक दो बार प्रयास किया और देखा मैंने, तो लगा कि पूरा ब्रह्मांड में मैं हूँ और पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, बिल्कुल ये लगता है कि पूरी दुनिया मेरे अंदर और मैं दुनिया के अंदर, ऐसा कुछ करके चीजें कुछ लग रहा था इस तरह का। लेकिन वो अनुभव बहुत ज्यादा देर तक रुका नहीं मेरे साथ में, और फिर वो धूमिल हो गया, और उसके बाद दोबारा उस तरह की फीलिंग आ नहीं पाई। तो शरीर और शून्य के अस्तित्व बना रहने वाली बात है, इसके शुरुआत की जो बात होती है वो तो स्पष्टता है कि हाँ यूनिट है, स्पेस होता है, मटेरियल यूनिट है और स्पेस है, खाली जगह है। तो खाली जगह समझ में आती है, खाली जगह हर जगह पर है, जहाँ पे खाली जगह नहीं दिखाई पड़ती वहां वस्तु है, लेकिन उसके अलावा खाली जगह भी है। इस पे भी अभी थोड़ा काम करना चालू किया है, तो ये भी दिखाई पड़ता है ये। और शरीर मेरे लिए एक साधन की तरह से है और उपयोगी साधन है बिल्कुल, इस पे काम चल रहा है। तो इतने स्टेप मुझे साफ साफ स्वयं में दिखाई पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट बात है कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, इस पे कितनी स्पष्टता बनी है, तो सुख स्वभाव ही समझ में आता है, प्रभाव तो नहीं है। और ये तो हमको 2020 में जब पहला सेशन किया था तो उस समय समझ में आ गया था कि एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। उस समय मैं अपना मोटिवेशन उसमें बहुत जुड़ाव रहता था मैं, और मैं लोगों को भी लेक्चर के थ्रू बहुत मोटिवेट करता था कि दुनिया में आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, इस तरह करके बड़े बड़े लेक्चर देता था मैं लोगों को। और शायद मैंने कुछ लोगों को दिशा भी गड़बड़ कर दी मैंने, जिसका थोड़ा सा हमको गिल्टी भी रहता है कि मैंने उनको गलत दिशा दी इस मामले में कि दुनिया में यही पाना है। और यहाँ तक मैं कहता था कि भाई यदि तुम लोग कहते हो कि पैसा रुपया कुछ नहीं है तो पैसा रुपया मुझको दे दो, दिन नहीं है, इस तरह की बातें मैं 3 साल पहले लोगों से बहुत शेयर करता था अपना वीडियो के थ्रू और इस तरह से करके।
तो थोड़ा सा एक हमें गिल्टी कॉन्शियस भी होता है कभी कभी कि शायद मैंने वो बातें लोगों से गलत कह करके शायद एक दो लोग भी यदि गलत दिशा में चले गए होंगे उससे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही थी ये, और शायद मैंने थोड़ा सा गलत किया ये। तो गलत किया आखिरी बात आती है कि मेरी समझ सही नहीं थी उस समय, तो मैंने उनको ऐसे ही मैं उनको प्रोत्साहित करता था, मोटिवेट करता था कि भाई पैसा रुपया होगा तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेरे भी मान्यता ऐसी ही थी कि पैसा रुपया मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा तो कुछ ठीक हुआ नहीं, और दूसरों को भी मैंने उसी जंजाल में डाल दिया। यदि सुख स्वभाव के रूप में दिखता है तो उसको समय सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम जुटा रहे हैं? तो कार्यक्रम तो एक ही है, इसी पर स्वयं पे काम करना है। स्वयं पे काम करने के अलावा और तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यदि इतनी स्पष्टता भी हो जाती है तो एक है सही दिशा मिल जाती है कि सही दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले तो काम तो कर रहे थे लेकिन दिशा गड़बड़ थी, दिशा गलत उस पर डायरेक्शन में जा रहे थे। तो फिर चाहे काम हम तेजी से गति से करें या धीमी गति से काम करें, उस जगह तो पहुंचेंगे नहीं। तो पहली चीज तो जरूरी है कि हमारी दिशा ठीक हो, जैसा मुझे लगता है, और दिशा मुझे लगा कि बिल्कुल सही चल रही है। क्योंकि जब आज से हम बचपन की बात को लेते थे कि हाँ बहुत खुश रहते थे, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो खुशी बढ़ी तो नहीं, लेकिन ये जरूर लगता है कि 3 साल पहले हमने यूएचवी कंटेंट स्टार्ट किया था करना, मॉर्निंग सेशन चालू किया हमने, वीकली मीटिंग और बाकी एक्टिविटीज में पूरा 100% में तो नहीं, जैसे कुमार भैया बोलते हैं कि अपनी भागीदारी आप करने की बात करते हैं, तो जितनी करनी चाहिए या जितनी मैं कर सकता हूँ उतना तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उसमें परिवर्तन तो आया भी। आज से 2-3 साल पहले जो मेरी स्थिति थी हारमोनी डिसहारमोनी की, और आज मैं बहुत परिवर्तन देख रहा हूँ। तो मुझे ये स्पष्टता है कि मेरी दिशा ठीक चल रही है। हाँ, दिशा सही है, और चाहे मोमेंटम बहुत तेजी से ना हो, गति तो बहुत तेजी से ना चल रही हो, लेकिन अब सही दिशा चल रही है तो ठीक जगह पहुंची जाएंगे, आज नहीं तो कल कल्याण होगा ही होगा। हमारा कितना कार्यक्रम अभी भी अनुकूल प्रभाव और संवेदना भाव जुटाने के अर्थ में है। तो इसमें एक बात ये दिखाई पड़ती है कि घर परिवार में यदि कमाने वाले मैं अकेला हूँ और हमारे साथ में 4 लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी फिजिकल फैसिलिटी को पूरा हमें ही करना है। इस बात को थोड़ा सा देख पाते हैं तो उसको फिजिकल फैसिलिटी पे भी काम तो ज्यादा ही होता है। 24 घंटे में हमें मान लीजिए 4 घंटे का समय हम दे रहे हैं इसके ऊपर, और 4 घंटे का भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जागृति रूप में दे रहे हैं, लेकिन हर समय 4 घंटे का तो दे देते हैं कि हाँ इस पे अपने पे काम करने की बात है। और सेल्फ पे काम करने के लिए है तो मॉर्निंग में पूरा ध्यानपूर्वक काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो बाकी मीटिंग में है जो एक्सरसाइज बताई जाती है उस पर भी काम करते हैं, और जो जनरल लेजर बनाने की बात कही, भैया ने कई बार बोला था कि लेजर बनाइए आप, लिखिए उन बातों को, उसको भी करना चालू किया, तो उससे भी काफी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। पहले तो लिखने में ही मुझे बड़ा वो होता था कि लिख ही नहीं पाते थे, क्योंकि कुछ हमारे विचार ही ऐसे होते थे कि जो मुझे खुद ही एक्सेप्ट नहीं होते थे, लोगों के बारे में फीलिंग जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। अब वो शर्मिला दीदी बोलती थी कि उसको लिखिए आप उसको, तो शुरुआत में मैंने शेयर भी किया इस बात को कि हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती लिखने की, लेकिन जब शुरुआत में लिखना चालू किया तो भाव बदलना चालू हुए। तो इस पे भी भैया काम हो रहा है चैतन्य के उसमें, और शरीर भी जरूरी है, उसका भी ध्यान रखना है, उसके लिए तो फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, तो उसके अर्थ में भी काम हो रहा है, दोनों में ही काम चल रहा है। मान्यता संवेदनाओं का आधारित कि कितना सहज स्वीकार्यता पर आधारित है, तो कुछ कार्य तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे है, लेकिन कुछ हमारी प्री कंडीशनिंग, कुछ अजम्पशंस हैं उसके आधार पे भी हो रहे हैं। ये हमारी समझ थी जो एक्सरसाइज 1 और 2 में, और बस एक ही बात समझ में आती है मुझको कि परिमार्जन मुझे लगता है अपने में, और इसका प्रभाव हमारे आसपास भी लोग देखते हैं, घर परिवार में भी एक सामंजस्य बना रहता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वहाँ भी लोग के बीच में हारमोनी में काम कर पाते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, और हम भी अपना जो भी योगदान कर सकते हैं वो योगदान जरूर करते हैं। विचार फैकल्टी स्टाफ के साथ में हो कि उनको प्रोत्साहित करना कि भी वर्कशॉप करिए, और बच्चों के साथ में सेशन शेयर करते हैं, उनको भी काफी बढ़िया लगता है। और शुरुआत में तो गलतियां होती थी, लेकिन उन गलतियों को जब मॉर्निंग मीटिंग में शेयर करते थे और प्रेस करते थे तो वो गलतियां करते करते कम होती गई। तो हमारे कमिटमेंट की बात है कि स्वयं में समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, तो चाहते तो हैं कि समय तो पूरा ही लगना चाहिए इसमें, लेकिन अभी समय वो समझ हमारी नहीं बनी है, ये बात मैं
स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि यदि 100% समझ बन गई होती तो शायद सब कुछ छोड़ छाड़ करके शायद इसी काम में लग गए होते, लेकिन अभी भी लगता है कि नहीं, बाकी काम भी जरूरी है और शरीर के लिए जिनकी आवश्यकता है उस पे भी काम चल रहा है, और साथ में स्वयं को समझने के लिए भी जो समय मिलता है वो पूरा लगा रहा हूँ मैं। स्वयं के वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ परिसरता में अपनी सामाजिक भागीदारी के अर्थ में कितना समय निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मैं जितना भी मैक्सिमम समय हो सकता है उसके लिए समय देता हूँ। मैं अपना जॉब है, अपना काबू भी काम हो रहा है, फिजिकल फैसिलिटी के लिए भी, और साइमल्टेनियसली स्वयं को जानने के लिए, क्योंकि करने योग्य तो वही काम है उस पर भी ध्यान जाता है और काम करते हैं। यहाँ कम से कम 2 घंटे देने की बात कही जाती है, इतना तो समय दिया जा सकता है, बिल्कुल इतना समय बिल्कुल दे सकते हैं, और इसमें देने में तो कोई वो भी नहीं है कि अलग से समय निकालना है। कई बार बात हुई सेशन में ही तो गणेश भैया भी बोले कि भाई इसके लिए अलग से समय, थोड़ी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे ध्यान देना। कुमार भैया बार बार बोलते हैं इस बात को कि जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके बीच में काम कर रहे हैं, आपको ध्यान ही तो देना है। सही बात है, जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक करना शुरुआत कर दे, तो ये बिल्कुल होता है, लेकिन 24 आवर नहीं बनता है। तो यहाँ तक की मेरी समझ बनी है एक्सरसाइज 1 और 2 को लेकर के, यूएचपी कंटेंट को लेकर के, और यूएचपी टीम में जुड़े सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार कि मेरे परिमार्जन के लिए आप लोगों ने बहुत हेल्प करी, और भैया अब आप लोगों का आगे जैसा बताते हैं वैसा करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। जी धन्यवाद आशुतोष भैया। दीदी अभी कुछ स्पेसिफिक कमिटमेंट भैया अगर शेयर करें। जी जी भैया, आपकी कमिटमेंट और भागीदारी आगे के लिए। भैया कमिटमेंट पे जो वर्कशॉप चलती है इसमें मैं अपना योगदान एज ए हेल्प डेस्क वॉलंटियर कर रहा हूँ, और कभी समय मिलता है तो पीपीआई टीम में भी रहता हूँ। कॉलिंग के लिए जो भी बात होती है उसको मैं समय निकाल करके पूरा जरूर करता हूँ, मैं उसको इतना तो बन पा रहा है। और जो कंटेंट शेयरिंग की बात है तो भैया कंटेंट शेयरिंग हमारी स्टूडेंट के साथ में होती है, हमारी फैकल्टी स्टाफ के साथ में होती है, इससे आगे भी नहीं बढ़ पाया हूँ। और शायद इसकी एक ये भी बात है कि हमारी इच्छा कोई वो रिसोर्स पर्सन बनने की बात कि मैं वहाँ पे स्टेज पे बैठ करके वो वाली बात करूँ तो वो वाली बात नहीं है, लेकिन कंटेंट शेयरिंग में स्टूडेंट के साथ में कर ही रहा हूँ और फैकल्टी स्टाफ के साथ में भी करता हूँ अब, और बाकी सब बाध्यता देखते हुए कॉलेज में काम कर रहे हैं तो इसके अलावा जितना टाइम मिलता है वो बिल्कुल कर रहा हूँ। स्पेसिफिक तो मैं हेल्प डेस्क में लगातार करता हूँ, चाहे यूएचपी 1 का हो 2 का हो, और चाहे स्टूडेंट वर्कशॉप हो, पूरा योगदान जितना संभव हो पाता है समय को देखते हुए वो पूरा कर रहा हूँ। जी जी भैया, ठीक जी है। जी नमस्ते सभी को पुनः। आशुतोष भैया का एक लंबा जुड़ाव रहा है, एक लंबे समय से भैया जुड़े रहे हैं, वस्तु से परिचय भी पुराना है, और बीच में कभी भैया का उत्साह रुक गया, अभी फिर से वापस बना है। तो भैया वर्कशॉप भी अटेंड करते रहे हैं, मॉर्निंग सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, और जैसा भी आपने शेयर किया तो पिछले कुछ समय में आप में एक अच्छी गति बनी है, ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि थोड़ा स्वयं से भी और कक्षा को भैया को बढ़ाना है कि कैसे और फैल के भागीदारी कर पाए, जैसे अगर वस्तु का और ठीक अध्ययन के लिए आपने ये चीज थी वाला भी तो सेशन अटेंड किया था ना, मॉर्निंग में जो हो रहा जी था, तो आपकी क्लैरिटी तो काफी बढ़ी होगी, तो आप देखें कैसे और आप वस्तु को रखने का भी एक प्रयास कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्कशॉप में हो या इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में हो, उसके लिए आपको कुछ डेमो सेशन देने की जरूरत होगी। ये कुछ एको हो रहा है मेरे बोलने से ना, आपके भैया यहाँ पे म्यूट कर भैया लीजिए, बिल्कुल आ रही है। म्यूट कर लीजिए आप। जी तो डेमो सेशन अगर आप दें तो आपके व्यक्ति में और गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, और जो आप अभी बात रख रहे थे उसमें मैं कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसे वैचारिक स्पष्टता होना एक बात है और स्पष्ट रूप से दिखना अलग बात है। जैसे आप इस अभ्यास 2 के स्टेप 1 पे कह रहे थे कि मैं और शरीर मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है, तो स्पष्ट रूप से दिखता है या इसकी वैचारिक स्पष्टता हुई है, ये थोड़ा अपने आप में जांचने की बात है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है मतलब मैं अपने आप को शरीर से भिन्न एक इकाई के रूप में देख पाता हूँ, वैचारिक स्पष्टता मतलब मैंने इस बात को कई बार सुना है, अपने आप में विश्लेषित किया है,
तो ये बात मुझे पच जाती है कि हाँ ये बात तो ठीक है, बट हो सकता है अभी इसका जांचना और शेष हो, अभी इस चीज का दिखना और शेष हो। तो जब आप अभ्यास एक और अभ्यास दो के स्टेप से बात कर रहे थे ना, तो ऐसा लगा कि वैचारिक स्पष्टता और स्वयं में दिखना, इसको अलग अलग करके अभी देखने की जरूरत है। तो किसी बात को बार बार सुनते हुए, उधर ध्यान देते हुए हमें वैचारिक स्पष्टता तो हो जाती है इसको चर्चा करते हुए, और वो कई बार आप पाएंगे कि एक स्वीकृति के रूप में रहता है, हो सकता है हमारे मानने में भी आ जाता है कि हाँ ऐसा ही है, तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही है, परंतु जानना शेष रहता है। तो ये पूरा काम होती है कि मानने से जानने में जाए हम उसको कि नहीं, तो उस पर थोड़ा सा और आपको विधिवत काम करने की जरूरत है। और जो आपने बात रखी ईमानदारी से रखी, और आपको जीने में जो चूक हुई है पहले, उसको लेकर भी आपके अंदर कुछ स्मृतियाँ बनी हुई हैं और उसको आप आगे ठीक करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि व्यवसाय वाले भाग से थोड़ा सा और आप देखें कैसे समय निकाल सकते हैं। पिछली बार जब आपने शेयरिंग की थी तो आपने इस बात को भी शेयर किया था कैसे घर में हारमोनी बनी, भाई के साथ हारमोनी बनी, बहुत सारे पारिवारिक मुद्दे सुलझे, है ना। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट उपलब्धि है जो इस बार आपने शेयर नहीं किया, बट हम मतलब आपने पहले शेयर किया था। तो इस तरह के तो बहुत सारे आपके अंदर परिवर्तन हुए हैं। अब वस्तु को गहनता से देखने और समझने का काम करने के लिए समय लगाया जाए तो उपयोगी रहेगा। तो इसको एक बार देख लें कि हम कितना समय और लगा सकते हैं समझने के लिए। उससे थोड़ा सा ये भी होगा कि अभी जो हम अव्यक्त होते हैं तो उसमें और थोड़ी गंभीरता आएगी, जो हमारी बातचीत है उसमें और थोड़ी गंभीरता आएगी। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को हल्केपन में ले लेते हैं, और उससे क्या होता है कि वो हमारे व्यक्तित्व का एक भाग भी बन जाता है। परंतु यदि हम उसको निष्ठापूर्वक जांचें, देखें और उसके साथ अपने जीने को जोड़ कर देख पाएं आगे के लिए, तो हमारी अच्छी गति बन जाती है। इस वाले भाग पर भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो सुझाव के रूप में तो मैं कहूँगा कि आप कुछ डेमोस्ट्रेशंस में भी आए और उसको रखें वस्तु को, तो उसमें जिस तरह के प्रश्न आएंगे उससे और क्लैरिटी होगी, जो शब्दों के बारीक अर्थ है उसमें भी आप जा पाएंगे। और जीने के क्रम में मैं तो कहूंगा कि कुछ और आकलन किया जाए ठीक से, और अपनी और भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो पीपीआई कॉलिंग आदि तो नए साथी हैं वो भी कर लेते हैं, परंतु चूंकि आपका एक लंबा जुड़ाव है तो आप और देखेंगे क्या अच्छी भागीदारी हो सकती है आपकी तरफ से। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं जिसमें आप भागीदार हो सकते हैं। जी तो मेरी तरफ से शुभकामना, बधाई भैया। नहीं भैया, मैंने पॉइंट नोट भी कर लिए हैं सारे जो आपने जिस तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है। और शुरुआत में मैं यूसीसीबीटी में भी थोड़ा सा जुड़ाव बना था हमारा, लेकिन फिर वो निरंतरता नहीं बन पाई उसमें। लेकिन अब इसमें भागीदारी करेंगे, क्योंकि बार बार कही जाती है कि अपने से बड़ी व्यवस्था की में भागीदारी करना आवश्यक है, और उसको करते हैं तो परिवर्तन बेहतर होता है। और ठीक है भैया, मैं इस अभी पर इन ध्यान दिनों दे आप गुवाहाटी करके। चले गए हैं? हाँ भैया, अच्छा, कब से है गुवाहाटी में? गुवाहाटी भैया मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था। अच्छा, और मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे है आपका कॉलेज? मंडे टू फ्राइडे है, यहाँ पे 5 डे वीक है। तो बहुत समय है, 2 दिन का वीकेंड तो आपको मिल ही रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में जो काम होना है उसमें आपकी एक अच्छी भागीदारी हो सकती है ना। अभी मणिपुर, मिजोरम जैसे जगहों पे कभी अगर 3 डे का फेस टू फेस वर्कशॉप लेना पड़े तो आपके लिए एक अनुकूल परिस्थिति है, आप ओवरनाइट जर्नी करके जा सकते हैं। थोड़ा सा आप मन बनाइए और ठीक से वस्तु को समझने का, अगर 6 महीने ठीक से लगेंगे तो कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो आप डेमोस्ट्रेशंस में भैया जाए और दूसरे साथी जब डेमो करें तो भी उनको सुने किस तरह की गलतियां हमसे हो जाती हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जब नॉर्थ ईस्ट में कोई वर्कशॉप हो तो आप उसमें एज ऑब्जर्वर जा सकते हैं, कोई और पकड़ बन जाए वस्तु पे तो एज को फैसिलिटेटर भी जा सकते हैं, है ना। तो आप इसको देखें थोड़ा। आपका परिवार भी वहीं है गुवाहाटी में या परिवार लखनऊ में अभी? नहीं, परिवार लखनऊ में भैया। अच्छा ठीक है, तो वीकेंड पे भैया तो एक लगभग थोड़ा सा समय मिलेगा। क्लैरिटी चाहिए थी कि जब डेमोस्ट्रेशन में बात करते हैं या जब हम शेयरिंग करते भी हैं लोगों से ना, तो थोड़ा सा एक गलती ये होती है कि पहले तो शुरुआत में बात ये आती थी कि जो यूएसबी कंटेंट है, जो स्लाइड शेयर करी थी आप लोगों ने, हम उसी बिंदु पे केवल ध्यान दें, उसी को ही शेयर करें, उसके बाद उसमें और कुछ मिर्च मसाला लगा के बात ना करी जाए। लेकिन उससे एक गलती होती है कि जो कंटेंट है उसके साथ में मैं अपनी भी कुछ
जो मान्यताएं बनी हुई उसको जोड़ता रहता हूँ, जो हमारे अजम्पशन बने हुए हैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। ये वही गलती ना बार बार होती है मुझसे। जी, मैं भी वही कह रहा था कि इन शब्दों को सुनने के साथ आपके अंदर स्वीकृति बन गई है ना, आपने मान भी लिया कि ये बात ठीक है, परंतु पुरानी मान्यताएं अभी प्रभावी हैं, तो जब हम खुद से अभिव्यक्त होते हैं तो वो निकल निकल कर आने लगती है, या जब कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न करता है तो हमारे अंदर जो गढ़ी हुई मान्यताएं हैं हम उनके आधार पर रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो इनफैक्ट आप जब डेमो सेशन में आएंगे और आपसे प्रश्न होंगे तो आप स्वयं पर भी मूल्यांकन कर पाएंगे, दूसरे साथी भी इसको इंगित कर पाएंगे कि किस तरह की मान्यता अभी बनी हुई है, तो उसको तो एक बार आपको लग के पूरा ठीक से ऑब्जर्व करना ही होगा। देखिए, समझना हम सबकी मौलिक आवश्यकता है और समझने काम अकेले में नहीं होता, तो संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीने जीते हुए होता है। जब संबंध पूर्वक व्यवस्था पूर्वक जीते हैं तो अव्यक्त भी होते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। इसमें कई बार हो सकता है कि जब कोई साथी हमारी किसी बात में कमी निकालते हैं या कोई गलती इंगित करते हैं तो हमको पीड़ा हो, बट वो पीड़ा से गुजरना भी जरूरी है, अदरवाइज वो जो अंदर पीड़ा बैठी हुई है ना, वो उभर उभर कर बाहर आती रहती। तो थोड़ा सा आपको और साहस लेकर है ना आगे आने की जरूरत है, और नॉर्थ ईस्ट में तो अपने को भी काम खड़ा करना ही। अभी हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के दूर के स्टेट्स हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, वहाँ ज़्यादा वर्कशॉप नहीं हो पाए हैं, साथ ही भी ऑनलाइन कम ही वर्कशॉप किए हैं वहाँ से। इनफैक्ट जब हम लोग नंबर निकालते हैं तो ईस्टर्न रीजन का नंबर अच्छा आता है, क्योंकि उड़ीसा से शिक्षा अनुसंधान और ऐसे दो तीन यूनिवर्सिटी से कई लोगों ने वर्कशॉप कर लिया है, इससे नंबर अच्छा आता है। परंतु जो दूर के स्टेट्स हैं अगर उनका इंडिविजुअली देखें तो उसमें अभी पार्टिसिपेशन कम है, तो हमें फेस टू फेस वर्कशॉप्स को भी वहाँ करने की जरूरत है ना। तो आप अगर वहाँ पे नज़दीक में ही है और 2 दिन का वीकेंड रहता ही है, परिवार लखनऊ में है, तो आपके लिए तो एक अच्छा सदुपयोग है कि 2 दिनों का वीकेंड अगर आप 1 दिन भी और उसमें जोड़ लेंगे तो एक अच्छा सदुपयोग हो जाएगा। ये ACT वर्कशॉप जो हो रही है 3 डेज की सेल्फ फंडिंग वाली, उसको मैंने शेयर किया है कॉलेज में और वो अपना विचार बना रहे हैं कि हम करेंगे इसको। मैंने पूरा डिटेल वो तो भेज एक दिया है बात है, आगे। देखिए आपके कॉलेज में हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जहाँ भी हो रहा है आप वहाँ निकल के पहुँच सकते हैं साथ में, बट थोड़ी और तैयारी कर लें है ना, या तो आप एज ऑब्जर्वर पहले चले जाएं तो वहाँ पे आपको और एक्सपोजर भी मिलेगा। और मुझे लगता है जो कानपुर में भी वर्कशॉप हुए हैं फेस टू फेस IIT में, उसमें भी आप आए हैं है ना, जाने हाँ, काफी पहले वहां पे करी वाले है हैं हाँ। और आश्रम में तो गया हूँ, वहां भी किया जी है। जी जी नहीं भैया, बढ़िया मैं भैया, डेमो बिल्कुल सेशन बिल्कुल अभी बनाता हूँ, मैं डेमो सेशन भी हाँ स्टार्ट करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, और वस्तु थैंक यू को भैया, रखने का मन धन्यवाद, बनाइए, प्रणाम। और मैं अन्य साथियों से भी कहूँगा जिनका जुड़ाव 2 वर्ष से ऊपर हो गया है और उन्होंने USP2 वर्कशॉप भी ऑनलाइन या फेस टू फेस कर लिए हैं, उनको वस्तु को रखने का अभ्यास करने की जरूरत है। तो आप लोग जो वीकली मीटिंग्स होते हैं उसमें 20 मिनट का डेमो सेशन हुआ करता है, उसमें आप अपनी बात रखें। अभी सैटरडे और संडे में जो हम लोग साउथ के रीजन्स के लिए मीटिंग कर रहे हैं उसमें अभी कम ही साथी डेमो सेशन दे रहे हैं, तो डेमो सेशन को और बढ़ाने की जरूरत है। ये वस्तु को रखना अपने आप में एक उपयोगी बात है, इससे आपका स्वयं में विश्वास बढ़ता है और आपके जीने में गुणात्मक परिवर्तन भी आता है। नहीं तो लिसनिंग से धीरे धीरे हम हियरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, अगर हम वस्तु को रखते हैं तो लिसनिंग से हम अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट होते हैं। तो हियरिंग का मतलब हुआ कि एक ही बात को सुनते सुनते हमको उसका अभ्यास हो जाता है, हाँ इंटेंशन कॉम्पिटेंस की बात हो रही है ना, सेल्फ बॉडी की बात हो रही है, और बस हम कान से सुन लेते हैं उतना, बट जब उसको वस्तु को रखते हैं तो जो हमने ध्यान से पहले सुना है उसे पकड़ और गहराती है और हमारा ध्यान जाता है प्योर ऑब्जर्वर। जी बढ़िया जी।